हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। रेडी फॉर ऑल नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम नॉर्सेट 2022 शॉर्ट सिलेक्शन MCQ विथ रैशनल इवन ट्रिकी MCQ के साथ साथ इमेज और वीडियो बेस का ये सेशन। हर दिन एक नई उम्मीद, एक नया नॉलेज, एक कॉन्फिडेंस आपको आपके सपने की तरफ ले जाने की कोशिश जारी रहेगी। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, लक्षिता, उर्मिला, अर्चना, चिल्लर, रूपाली, रीवा, अंकित, अन्नू, मनीषा, गोल्डी, सूरज, अबनिका, JINCN, ऋषि कुंडरा, अनुराधा, आप सभी को JINCN डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज का सेशन कैरी ऑन करने से पहले माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, मैं हर दिन नया कुछ सीखता हूं, दूसरों से बेहतर बनने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को बेहतरीन बनाने के लिए। ये सच आपको बता रहा हूं बच्चों, मैं हर दिन नया कुछ सीखता हूं, आपसे भी सीखता हूं, हर एक इंसान से सीखता हूं। मैं हर दिन नया कुछ सीखता हूं, दूसरों से बेहतर बनने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को बेहतरीन बनाने के लिए, ताकि मैं अपने फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को बेहतर दे सकूं। तो यही सोच आप रखिएगा बच्चों, हमेशा किसी को नीचे दिखाने के लिए, किसी से कॉम्पीट करने की बजाय खुद के अंदर मॉडिफिकेशन करिएगा, खुद को उस लायक बनाइएगा कि आप खुद जो कर सकते हो कोई और नहीं कर सकता। तो इसी पॉजिटिव इनोवेटिव थॉट के साथ आज का इंपॉर्टेंट सेशन कैरी ऑन कर रहे हैं, और आई होप कि कुछ नया देने की कोशिश जारी रहेगी मेरी। ओके फाइन, आज के सेशन का पहला MCQ आपके सामने है कि मिड आर्म सर्कमफेरेंस एट वन ईयर ऑफ एज कितना होगा। मैंने एक साल के बच्चे का पूछा हूं, वन ईयर का मतलब है बच्चा इन्फेंट है, वन ईयर का मतलब है बच्चा इन्फेंट है, क्योंकि एक साल का बच्चा जो है उसको हम इन्फेंट कंसीडर करते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मैंने आपसे पूछा है मिड आर्म सर्कमफेरेंस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछता है, वो भी मैं आपके सामने पुट करने वाला हूं। आपको बताना बच्चों, मिड आर्म सर्कमफेरेंस जो है वन ईयर एज में कितना होगा, क्या 12 सेंटीमीटर से 16 होगा, क्या मेरे बच्चों 17 सेंटीमीटर से 18 होगा, क्या 20 से 21 होगा, क्या 9 से 11 होगा। सोच के आंसर देना। रीवा सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, रीवा कीप इट अप बेटा, क्विक आंसर पुट करेगा। आपके सामने चार ऑप्शन है, मैंने मिड आर्म सर्कमफेरेंस की बात की है, मिड आर्म सर्कमफेरेंस की बात की बच्चों, शाकिर टेप बिल्कुल आगे पढ़ाऊंगा बच्चों, मुझे इसका आंसर पुट करिएगा, ले चलता हूं, हर एज के अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश करूंगा बच्चों। एवरीबडी हैव आंसर, ए और बी डिफरेंट आंसर आपका मिल रहा है। देखिए ज्यादातर बच्चों का आज का आंसर है, शुक्रिया गोल्डी सिंह, आपका ए आंसर मुझे दिख रहा है, डेफिनेटली आपका आंसर करेक्ट है बच्चों। 12 to 16 सेंटीमीटर दैट्स द एवरेज सर्कमफेरेंस ऑफ द मिड आर्म ऑफ वन ईयर चिल्ड्रन। कभी कभी आपको पर्टिकुलर पूछते कि मिड आर्म सर्कमफेरेंस को मेजर कैसे करते हैं। मैंने क्लियरली मेंशन किया बच्चों, एक इमेज आपको दिख रहा होगा, यहां पर मैंने एक इमेज डिस्प्ले किया हुआ है और लिखा है मेजरमेंट इज टेकन एट द मिड पॉइंट ऑफ द अपर आर्म बिटवीन एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्केपुला एंड ओलीक्रेनोन प्रोसेस ऑफ अल्ना। देखिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये जो आपको दिख रहा है ये स्केपुला का एक्रोमियम प्रोसेस है, ये जो दिख रहा है ये ओलीक्रेनोन प्रोसेस किसका बच्चों है, दैट इज अल्नर बोन। इन दोनों के बीच का जो पॉइंट दिख रहा है दैट इज अ मिड आर्म। हियर यू कैन सी एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर एग्जैक्टली कहां मेजर करते हैं क्वेश्चन, ऐसा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपका हाथ को देखिएगा, या हाथ में आप देखोगे ये स्केपुलर बोन का एक्रोमियम प्रोसेस होता है बच्चों, एक्रोमियम प्रोसेस, यहां पर अल्नर बोन का ओलीक्रेनोन फोसा होता है। ध्यान से देखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इन दोनों के बीच के सेंटर पॉइंट को डिटेक्ट करना, कभी कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं कि एग्जैक्टली फ्रॉम वेयर टू वेयर, तो आपको क्लियर मेंशन करना है एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्केपुला, ओलीक्रेनोन प्रोसेस ऑफ अल्ना, इन दोनों के बीच में आपको मिड आर्म सर्कमफेरेंस को मेजर करना है। एट बर्थ यदि आप देखोगे तो बच्चों 9 to 11 मिलेगा, जब बच्चा पैदा होता है उस समय 9 to 11 हम मेजर करते हैं। वही वन ईयर में मैंने अभी आपको बताया बच्चों 12 to 16, बट कभी कभी पूछते हैं 12 ईयर में 17 to 18 और 15 ईयर में पूछे तो 20 to 21। मैंने आपके सामने यही ऑप्शन पुट किया ना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, और इन्हीं में से मैंने एक आंसर आपके सामने पुट किया है, वन ईयर वाला जो आपका सही आंसर था।
अब आपसे एट बर्थ का पूछे तो आपको 9 टू 11 में चले जाना, आपको 12 ईयर में पूछे तो 17 टू 18 चले जाना, और आपको पूछे कि 15 ईयर में तो 20 टू 21। बट मेरे बच्चों याद रखना, दिस इज द एरिया वेयर वी मेजर मिड आर्म सर्कमफेरेंस। एक और आपको बात बताना चाहता हूं एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इमेज बेस्ड, यही मिड आर्म सर्कमफेरेंस से रिगार्डिंग जो इमेज मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं, दैट इमेज बेस्ड एमसीक्यू दे आस्किंग द टेप दैट वी कैन से, इस टेप का नाम पूछा जाता है शाकिर टेप बच्चों। और यहां लिख देता हूं बच्चों, यहां लिख देता हूं नॉर्सेट, यहां लिख देता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर नॉर्सेट 2022, नॉर्सेट 2022 मैंने पुट किया है, एक एमसीक्यू अब बनने की संभावना है। शाकिर टेप जो है ये मिड आर्म सर्कमफेरेंस को मेजर करने में यूज करते हैं टू डायग्नोस अंडर न्यूट्रिशन, मतलब माल न्यूट्रिएंट जो बच्चे होते हैं जिनका मिड आर्म सर्कमफेरेंस नॉर्मल से कम होता है उनका मेजरमेंट हम करते हैं शाकिर टेप से। किससे करते हैं बच्चों? शाकिर टेप से, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन दैट यू, तो बनोगे नर्सिंग ऑफिसर, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स बनोगे नर्सिंग ऑफिसर, से यस, हर हाल में बनेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट यू इन एम्स इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट, योर फैमिली वॉन्ट यू इन एम्स इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट, यू वॉन्ट योर सेल्फ इन एम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट। जब आपका, आपके माँ बाप का और जेएनसी का एक ही सपना है तो मेहनत तो आपको जेएनसी परिवार को करना और आशीर्वाद माँ बाप के लेते रहना है, कोई रोक नहीं पाएगा बच्चों आपको नॉर्सेट 2022 में। पॉजिटिव एनर्जी, सोच अच्छी, फोकस्ड गोल ओरिएंटेड स्टडी, सही गाइडेंस में, सही डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे, देखो कैसे किस्मत बदलती है। क्योंकि कुछ पाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए बहुत सारी इच्छाओं का खून करना पड़ता है, बस जिस दिन जीत के आएंगे ना दुनिया सलाम करेगी बच्चों। वक्त आज स्ट्रगल का है, आने वाला वक्त खूबसूरत है, बस टिके रहो, नई शुरुआत करो, लिमिटेड टाइम आपके पास है, और अपने आप से बार बार एक ही बात कहो, यस आई एम बिकम एम्प्लॉय ऑफ एम्स। और हर जहन में, दिल में, दिमाग में, सब जगह एम्स के अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे, उसी का सपना पूरा करना बच्चों। और इसी तरह से टिके रहोगे ना तो डेफिनेटली यू कैन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ ले चलता हूं बच्चों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नेम ऑफ द विटामिन विच टेक पार्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। थोड़ा सा इसने क्वेश्चन को घुमाया, थोड़ा सा इसने क्वेश्चन को घुमा के पूछा है कि व्हाट इज द नेम द विटामिन विच टेक पार्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, वो कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग का पार्ट है, हिस्सा है ब्लड क्लॉटिंग का। क्या विटामिन सी को कंसीडर करते हैं बच्चों, क्या विटामिन ए को कंसीडर करते हैं, क्या विटामिन के को कंसीडर करते हैं, क्या विटामिन बी को कंसीडर करते हैं? और मुझे पूरी उम्मीद है आंसर आप तुरंत लिख दोगे, तुरंत लिख दोगे मेरे बच्चों, और आपके पास आंसर। शुक्रिया कुमारी कुसुम, क्विक आंसर, विटामिन के आपका आ रहा है, विटामिन के आपका आंसर आ रहा है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, ग्रेट पार्टिसिपेशन, सही आंसर। इसी विटामिन के को हम कहते हैं एंटी हेमरेजिक विटामिन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम का है, एंटी हेमरेजिक, हेमरेजिक विटामिन। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, ये जो है ये सिंथेसिस कौन करता है विटामिन के को बच्चों, सिंथेसिस करता है लीवर, कौन सिंथेसिस करता है? लीवर। और विटामिन के जो एट बर्थ हम एडमिनिस्टर करते हैं, एट बर्थ हम एडमिनिस्टर करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो मैंने क्लियरली आपको मेंशन किया विटामिन के इज आल्सो नाउन इज एंटी हेमरेजिक विटामिन, और विटामिन के है लिवर सिंथेसाइज करता है, इवन ये बहुत जरूरी है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को सिंथेसिस करने में, विटामिन के मेजर रोल प्ले करता है। दैट यू अंडरस्टैंड एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते बच्चों। शुक्रिया कविता कुमार, मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच, फाइटर कविता, थैंक यू मेरा बच्चा। नेक्स्ट देखिएगा, विटामिन सी इज अ प्रेजेंट इन, ये थोड़ा आपके लिए ट्रिकी एमसीक्यू लेके आया हूं, बहुत छोटा सा एमसीक्यू है बट आपको आंसर देने पे मजबूर करेगा कि विटामिन सी इज अ प्रेजेंट इन टोमेटोज, क्या टोमेटोज में विटामिन सी होता है, क्या मेरे बच्चों पपाया में विटामिन सी होता है, क्या मेरे बच्चों गुआ में सी विटामिन सी होता है, या इन तीनों में, इन तीनों में विटामिन सी होता है। अब आपको आंसर पुट करना है, विच इज द राइट आंसर माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। चार ऑप्शन आपके सामने है, विटामिन सी किसमें प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्विक आंसर पुट करने की कोशिश करना। विटामिन सी जो है इसकी यदि डेफिशिएंसी हो जाए, इसकी यदि डेफिशिएंसी हो जाए तो मेरे बच्चों स्कर्वी होता है, क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। और एक और बात, विटामिन सी जो है ये हेल्प करता है, ये हेल्प करता है वुंड हीलिंग में, एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, ये हेल्प करता है वुंड हीलिंग में। यदि किसी पेशेंट का वुंड हील करवाना है
तो उस पेशेंट को हम लोग विटामिन सी को एडमिनिस्टर करते हैं, और बदमाश बच्चों विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम का है, ये क्वेश्चन एग्जाम का है, ये क्वेश्चन एग्जाम का है, और एक आंसर आप बताने वाले बच्चों, एक आंसर आप बताने वाले हो। और बी इवन एस्कॉर्बिक एसिड, बिल्कुल सही, विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। बट मेरे बच्चों मैंने यहां पूछा है कि विटामिन सी किस में प्रेजेंट होता है, मेरा आंसर है टोमेटोज लिखिएगा बदमाश बच्चों, टोमेटोज कितना इंपॉर्टेंट है देखिएगा, इसलिए टोमेटोज खाया करो। ये डायरेक्ट एमसीक्यू है, डायरेक्ट एमसीक्यू में गलतियां हो सकती है, क्योंकि सीधा पूछा कि आपका नाम क्या, जैसे है ना, विटामिन सी जो है वो किस में पाया जाता है, यहाँ टोमेटोज आपका सही आंसर है, टोमेटोज सही आंसर है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, पपाया जैसे बोले ना तो ये फाइबर रिच फूड बोल सकते हैं, फाइबर रिच फूड बोल सकते हैं, और फाइबर रिच जो फूड है ना बच्चों, ये हम यूज करते हैं मेरे बच्चों कॉन्स्टिपेशन में, किस पेशेंट को देते हैं हम, कॉन्स्टिपेशन वाला जो पेशेंट है उसमें यूज करते हैं पपाया, दैट इज अ पपीता, दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन। देखिए टोमेटोज की वैल्यू है, एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, टोमेटोज की वैल्यू से पता चला कि यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो ना बच्चों, कभी जहन में यह मत सोचिएगा कि एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट या चार सब्जेक्ट पढ़ के मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। एज अ टीचर व्हाट आई सजेस्ट यू कि आपको हर एक सब्जेक्ट का रेस्पेक्ट करना है, आपको हर एक सब्जेक्ट की उतनी अहमियत देनी है जितना आप मेडिसिन पीडिया फंडा इनको देते हो, क्योंकि कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पेपर जब बनता हो आपसे हमसे नहीं पूछता है। इसलिए हमें रिसर्च भी पढ़ना, हमें एडमिन भी पढ़ना, हमें एजुकेशन भी पढ़ना, हमें फार्मा भी पढ़ना, हमें माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ना है, और मेरे बच्चों हमें रीजनिंग और मैथ्स भी पढ़ना। शुक्रिया जे एंशियन गामनी सुथा डोनेटिंग 20 रुपीज, थैंक यू गामनी फॉर योर लवेबल कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स योर जे आई एन सी नर्सिंग ऑफिसर स्टूडेंट, थैंक यू। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ता हूं बदमाशों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्री मेंस्ट्रुअल या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को हम किस नाम से बोलते हैं। देखिए ये मैं बताना चाहता हूं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है, यदि मैं 30 फीमेल्स की बात करूं तो लगभग 27-28 फीमेल्स में ये प्रेजेंट होता है, और बताना चाहता हूं क्या होगा प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम। पहले आप मुझे इसका आंसर दीजिए, फिर आई विल डिस्कस इन द डिटेल, क्योंकि यह एक एमसीक्यू कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है, क्या हम इसको प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन बोलते हैं, पीएमटी। देखिए बच्चों पीएमटी बोलते हैं क्या, प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन बोलते हैं क्या मेरे बच्चों, इसको हम प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन के साथ, देखिए पहला क्या क्या लिखा, प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन, पोस्ट मेंस्ट्रुअल टेंशन, क्या हम इसको पेन मेंस्ट्रुअल टेंशन, क्या हम इसको तीनों नाम से पुकारते हैं। शुक्रिया प्रतिभा चौधरी, थैंक यू नेहा शर्मा मेरा बच्चा, क्विक आंसर प्रविंदर कुमार, शुक्रिया बेटा, क्विक आंसर, चार ऑप्शन आपके सामने है, मैंने प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की बात की, किस और नाम से हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, मैंने चार ऑप्शन आपके सामने दिया, मैंने ये भी कहा बच्चों बहुत कॉमनली फीमेल्स में ये प्रेजेंट होता है, मतलब सीधा मेंस्ट्रुएशन के पहले कुछ स्पेसिफिक सिम्टम यहां पर आइडेंटिफाई आप होंगे, क्विक आंसर पुट करने की कोशिश करिएगा बच्चों, चार ऑप्शन एक राइट आंसर चाहिए मुझे बच्चों, चारों में से एक को राइट फाइंड आउट करिएगा। कुछ बच्चे डी लिख रहे हैं, कुछ ए लिख रहे हैं, ज्यादातर बच्चों ने ए आंसर लिखा है। कैरी ऑन करिएगा बच्चों, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। कैरी ऑन करिएगा, तो टेक्निकल एरर को मिनिमाइज कर रहे हैं, डोंट वरी, थोड़ी सी टेक्निकल एरर है, इसको मिनिमाइज करके कैरी करते हैं बच्चों, आप अपना आंसर जो है फाइंड आउट करके रखिएगा, और स्टे पॉजिटिव। एक लाइट का फ्लक्चुएशन हुआ जिसमें थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड क्लोज हो गया, और जल्दी ओपन होगा आपको क्लास को कैरी ऑन करने के लिए। हियर यू कैन सी एवरीवन, नेक्स्ट कैरी करते बच्चों, आप अपना आंसर सोच के रखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स।
मैंने आपसे पूछा था कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इज आल्सो नाउ, ने चार ऑप्शन आपको दिया और आपने एक राइट आंसर पुट करना है। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहाँ पर जो आंसर पुट किया, दिया ए आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ए जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। प्री मेंस्ट्रुएशन, देखिए प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन के नाम से हम प्रोनाउंस करते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हैज अ वाइड वैरायटी, एग्जैक्टली यदि हम बात करें तो प्री मेंस्ट्रुएशन टेंशन दस है वाइड वैरायटी ऑफ सिम्टम, जिसमें पेशेंट का जो मूड स्विंग होगा, पेशेंट का ब्रेस्ट जो है वो टेंडर होगा, पेशेंट का जो फूड क्रेविंग्स हो जाएगा, थकान लगेगी, फटीगेबिलिटी होगी, इरिटेबिलिटी होगी और डिप्रेशन होगा। ये सिम्टम जो है ऑलमोस्ट मेंस्ट्रुएशन से पहले पेशेंट को डिटेक्ट हो रहा है, तो समझ आ रहा मेरे बच्चों द पेशेंट सफर विद द प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इवन मैंने ये भी लिखा है, इट एस्टिमेटेड दैट मे many as 3 of every 4 menstruating woman are experiencing some from the premenstrual syndrome. मतलब इन्होंने कहा 4 में से 3 महिला में कॉमनली होता है, तो मेरा रेशियो जो था वो एग्जैक्टली है, वो एग्जैक्टली माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑप्शन। तो कॉम्पिटेटिव में जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपसे इसी तरीके से आंसर ढूंढने होंगे। इजी था बट बहुत कुछ इन्होंने पूछने की कोशिश की। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1100 फ्यूचर नर्सिंग ऑप्शन। बच्चों क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक इट एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी, और नए बच्चे जो फर्स्ट टाइम क्लास को वॉच कर रहे हैं सब्सक्राइब करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, कंप्लीट रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स का, जहां पर बच्चों 1200 प्लस रिकॉर्डेड वीडियो के साथ 5000 जो है वो प्लस MCQ आपको मिलने वाले हैं। और खास बात, कंप्लीट नर्सिंग के सब्जेक्ट के साथ यहाँ रीजनिंग भी आपको दे रहे हैं, मैथ्स भी आपको दे रहे हैं, यूनिट टेस्ट भी आपको दे रहे हैं, और साथ साथ में आपको ये भी दे रहे हैं 1 ईयर की वैलिडिटी। मतलब मेरे बच्चों, वन कोर्स फॉर वन नेशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, सब कुछ इसमें मिल रहा है। तरीका एक ही है, आपको 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम करना है, या JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करके भी आप इस कोर्स को बाय कर सकते हो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द पेल्विक पेन। देखिए एक मजेदार क्वेश्चन है, आपको सोचने पे मजबूर करेगा। बच्चों मैंने क्लियर लिखा हुआ है, व्हाट इज मीन्ड बाय पेल्विक पेन, व्हाट डू यू मीन, पेल्विक पेन का मीनिंग पूछा है, पेल्विक पेन का मीनिंग पूछा है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। क्या हम बोल सकते हैं पेल्विक पेन इज अ कॉमन सिम्टम इन गायनेकोलॉजी प्रेजेंट इन एक्यूट फॉर्म एंड क्रॉनिक फॉर्म, इट इज अ सिम्टम ऑफ एनी अंडरलाइंग डिसऑर्डर। बी में लिखा है पेल्विक पेन इज कॉमन डिजीज इन गायनेकोलॉजी प्रेजेंट इन एक्यूट फॉर्म और इन क्रॉनिक फॉर्म, इट इज अ डिजीज अंडर, देखिए यहाँ क्या लिखा, इट इज अ डिजीज ऑफ अंडरलाइंग डिसऑर्डर, यहाँ लिखा है इट इज अ सिम्टम ऑफ अंडरलाइंग डिसऑर्डर। वेरिएशन देखना, फर्क का महसूस होगा, देखिएगा डिफ्रेंशिएट करना है। सी में लिखा हुआ बच्चों, अगेन पेल्विक पेन डायग्नोस इन गायनेकोलॉजी प्रेजेंट एक्यूट फॉर्म एंड क्रॉनिक फॉर्म, इट्स डायग्नोसिस ऑफ अंडरलाइंग डिसऑर्डर। मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा, और मैंने कहा नन ऑफ द अबो, कितना इजी और सिंपल है, सोच के आंसर देना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मैंने पेल्विक पेन का पूछा है मीनिंग क्या है, तीन सेम ऑप्शन में तीन वेरिएशन डाले, पहले में लिखा कि कॉमन सिम्टम गायनेकोलॉजी प्रेजेंट एक्यूट एंड क्रॉनिक फॉर्म, ये सब में है, बट क्या हम इसको सिम्टम ऑफ अंडरलाइंग डिसऑर्डर बोलते हैं, क्या हम इसको डिजीज ऑफ अंडरलाइंग डिसऑर्डर बोलते हैं, और क्या हम डायग्नोसिस ऑफ अंडरलाइंग डिसऑर्डर बोलते हैं। याद रखना बदमाशो, कॉम्पिटिशन का जब पेपर आएगा ऐसे कोई समझाएगा नहीं, वहां अपना ब्रेन यूज करना, वो अपना दिमाग यूज करना, तो आपको आंसर मिलेगा। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहाँ पर आंसर सही लिखा है, क्योंकि सबको पता पेन वी कैन नॉट से डिजीज, इट्स अ सिम्टम, इज अ सिम्टम, और आपने आंसर ढूंढ लिया, क्योंकि इतना अंडरलाइन करके दिया तो आपका आंसर सही होना ही था। एक बात और बता देता हूं, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, फिफ्थ वाइटल साइन, याद रखना बच्चों, फिफ्थ वाइटल साइन का ये क्वेश्चन कई बार आजकल आने लगा है, तो आपको आंसर क्या लिखना है, पीन, आपको आंसर क्या लिखना है, पीन। आपको सबको पता है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, चार तो आपके वाइटल साइन हम पढ़ते आ ही रहे थे, और मैंने पांचवा पुट किया, तो आपको आंसर क्या लिखना, पेन। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ फिफ्थ वाइटल साइन, आपका आंसर आएगा बच्चों पेन, वी कैन कंसीडर। यहाँ पर प्यूपिल डायलेशन ऑप्शन आ सकता है, यहाँ पर SpO2 सैचुरेशन आ सकता है, यहाँ पर स्किन कलर आ सकता है, बट हमें सीधा आंसर क्या लिखना, पेन इज अ
consider fifth vital sign, my loving future nursing officer. Okay, fine, next move on करते हैं बच्चों, next question की तरफ बढ़ता हूँ. लेकिन आपको question क्या पूछना चाह रहा है कि nurse teaches the client who has had a rectal surgery, patient को rectal surgery हुआ है, proper timing for sits bath. तो नर्स टीच कर रही है कि सिट्स बात का प्रॉपर टाइम क्या होना चाहिए. द नर्स नो द दैट क्लाइंट हैज अंडरस्टूड टीचिंग व्हेन द क्लाइंट स्टेटेड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक ए सिट्स बाथ. मजेदार क्वेश्चन है, इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाया है कि पेशेंट का रेक्टल सर्जरी हुआ, पेशेंट का रेक्टल सर्जरी हुआ, डियर नर्स उसको टीच करिए कि रेक्टल सर्जरी के बाद सिट्स बाथ कैसे दिया जाता है, पर्पज क्या है. अब पेशेंट से पूछेगी और पेशेंट का स्टेटमेंट सुनेगी, वो कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट कर रहा है कि आपने जो पेशेंट को टीच किया वो समझ में आ गया, वो समझ में आ गया, मतलब मेरे बच्चों की टीचिंग इफेक्टिव थी. ये क्वेश्चन यहां पर पूछा है तो आपको क्विक आंसर देना होगा, आपको क्विक आंसर देना होगा. द नर्स टीचेस द क्लाइंट हु हैज हैड रेक्टल सर्जरी, प्रॉपर टाइमिंग फॉर द सिट्स बाथ. सिट्स बाथ का दूसरा नाम बच्चों टब बाथ है. द नर्स नो दैट द क्लाइंट हैज अंडरस्टूड टीचिंग व्हेन क्लाइंट स्टेट्स दैट इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक सिट्स बाथ. अब आंसर आपके पूछे, अब आपके पास आंसर है बच्चों. ये देखिएगा, क्या फर्स्ट थिंग ईच मॉर्निंग, मतलब सुबह उठते ही सबसे पहले पेशेंट को सिट्स बाथ देना है, या एज नीडेड फॉर द डिस्कम्फर्ट, जब पेशेंट डिस्कम्फर्ट होता है तभी सिट्स बाथ देना है. क्या मेरे बच्चों आफ्टर बाउल मूवमेंट, जब पेशेंट को बाउल मूवमेंट तब हम पेशेंट को सिट्स बाथ देंगे, या एट बेड टाइम. क्विक आंसर पुट करना मेरे बदमाश बच्चों, सोच समझ करके. क्लियर लिखा है कि कौन सा स्टेटमेंट है. The nurse teaches the client who has had rectal surgery proper timing for sits bath. The nurse knows that client has understood teaching when the client stated that the most important to take a sits bath. When it is. Common sense यहाँ पर use करना मेरे बच्चों, common sense use करना. शुक्रिया सुमंदा, शुक्रिया मेरा बच्चा. क्या बात है बच्चों के पास super answer, super JINC के पास super answer. बच्चे लिख रहे हैं कि sir after a bowel movement के बाद. शुक्रिया, बहुत बढ़िया. अमेरिका फर्स्ट थिंग ईच मॉर्निंग, बिल्कुल नहीं. एज नीडेड फॉर डिस्कम्फर्ट, बिल्कुल नहीं. आफ्टर बाउल मूवमेंट के बाद, बिल्कुल सही. बाउल मूवमेंट का मतलब जब वेस्ट को एक्सप्लोर कर दिया उसके बाद, बिल्कुल सी आपका यहाँ पर सही आंसर है, एब्सोल्युटली राइट आंसर. और सिट्स बाथ का दूसरा नाम है टब बाथ. बदमाश बच्चों, इसी को हम कहते हैं टब बाथ. और इसका टेम्परेचर 110 से 115 डिग्री फारेनहाइट होता है. और याद रखना सिट्स बाथ जो है हेमरोइड्स की सर्जरी के बाद, इवन एपिसियोटॉमी के बाद, बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस होते हैं जहां पर हम सिट्स बाथ का यूज करते हैं. बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन जेएनसीएन. बस एक दिन क्लास थोड़ा डिस्टर्ब किया हुआ, बदमाशों ने बदमाशी शुरू कर दी थी. आज आप बिल्कुल ट्रैक पे लौट आए हो. आपको इसी पिच पे बैटिंग करना है और आखिरी तक टिक के बैटिंग करना है, चाहे हमें लास्ट बॉल पे 6 रन भी चाहिएंगे ना बदमाश बच्चों, हम ले लेंगे बेटा. बस याद रखना लास्ट तक टिक के रहना है, जब तक आपका सपना पूरा ना हो. बीच में किसी भी फास्ट बॉल से डरने की जरूरत नहीं है, स्पिनर से डरने की जरूरत नहीं है. आपकी नजर सामने वाले बॉलर की गेंद पे और पिच के ऊपर खड़े होकर अपने बैट से बैटिंग करते रहना है, क्योंकि आखिरी बॉल से तक जो टिक गया वो जीत जाएगा. ध्यान रखना बच्चों, जो टिक गया वो जीत जाएगा. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. शुक्रिया एवरीवन टू ट्रस्ट ऑन JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म. नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा बच्चों. इन नर्स शुड, देखिए मजेदार क्वेश्चन. इन नर्स शुड क्वेश्चन इन ऑर्डर टू इरिगेट द ईयर कैनाल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस. मतलब डियर नर्स ने क्वेश्चन किया डॉक्टर से, डॉक्टर ने लिखा कि पेशेंट का ईयर इरिगेशन करना है, तो वो कौन सी कंडीशन है जहां पर. डियर नर्स पूछी डॉक्टर साहब क्यों कर रहे हो आप ईयर इरिगेशन, वो कौन सा कंडीशन है. तो ऑप्शन मैंने लिखा हुआ है, क्या ईयर पेन वाले, जब पेशेंट को ईयर पेन हो रहा है, क्या हियरिंग लॉस हो रखा है, क्या ओटाइटिस एक्सटर्ना है, क्या परफोरेटेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है. क्विक आंसर पुट करने की कोशिश करना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. पुट द राइट आंसर एवरीवन. Nurse would question in order to irrigate the ear canal in which of the following circumstances. कौन से circumstances है जहां पर dear nurse question करेगी कि आपने ear irrigation का order क्यों दिया, order क्यों दिया. बहुत बढ़िया पूजा, शुक्रिया शुक्रिया. Thank you गामनी,
क्विक आंसर, आपका आंसर सही जा रहा है, बदमाशो डी आपका आंसर जा रहा है, डी आपका आंसर जा रहा है बिल्कुल, बिकॉज ये पेशेंट का ईयर है, ये पेशेंट का टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ये पेशेंट का टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, और यदि ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड है और पेशेंट का आप ईयर इरिगेट करोगे तो फ्लूड आपका मिडल ईयर में चला जाएगा और मिडल ईयर में जाकर के प्रेशर क्रिएट करेगा, पेन होगा, पेशेंट को हियरिंग डिस्टर्ब होगा, तो डेफिनेटली हम इस कंडीशन में ईयर इरिगेशन को अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, इसी को हम ईयर ड्रम बोलते हैं, इसी को बच्चों हम ईयर ड्रम बोलते हैं, याद रखना। और जो ये ईयर ड्रम है इसकी लंबाई 10 mm की होती है बदमाशो, और ये जो दिख रहा है ये ऑडिटरी कैनाल है। ईयर ड्रम का काम क्या है, जैसे साउंड आपके ईयर में एंटर करेगा तो उस एनर्जी का नाम होता है ऑकस्टिक एनर्जी। क्या बोलते हैं ऑकस्टिक एनर्जी, जैसे ईयर ड्रम से टकराएगा दैट कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, तो ये ऑकस्टिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम भी करना है। जीतू साहू डोनेटिंग 19 rupees, जीतू डोनेटिंग 19 rupees, माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए नर्स इज अ रिव्यूइंग ए क्लाइंट केयर प्लान, ड्यूरिंग विच स्टेप्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस डज सच ए रिविजन टेक प्लेस। मतलब सीधा केयर प्लान का वो कौन सा स्टेप है, नर्सिंग केयर प्लान का वो कौन सा स्टेप है जहां पर डियर नर्स आर एबल टू टेक डिसीजन फॉर रिवाइज इट, फॉर रिवाइज इट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, थैंक यू मुकेश मेघवाल, थैंक यू मेरा बच्चा। ए नर्स इज अ रिवाइजिंग ए क्लाइंट केयर प्लान, ड्यूरिंग विच स्टेप्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस डज सच रिविजन टेक प्लेस, असिस्मेंट गोल इंप्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन। क्विक आंसर, मैं 3-4 चीजें आपको यहां पर कंसिडर करके बताऊंगा, आप पहले फटाफट आंसर पुट करिएगा। असिस्मेंट पे लिखा है, गोल पे लिखा है, इंप्लीमेंटेशन पे लिखा है और इवेल्युएशन पे लिखा है, इवेल्युएशन पे। शुक्रिया अर्चना, थैंक यू प्रतिभा, शुक्रिया। क्विक आंसर बच्चों, क्विक आंसर, इवेल्युएशन आपका आंसर आ रहा है, यदि आप कॉन्फिडेंट है तो आंसर पुट करें। प्रिया शुक्रिया बेटा, क्विक आंसर, इवाल्युएशन आपका आंसर। कुछ बच्चों का असेसमेंट आ रहा है, मैं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाहता हूं, एग्जैक्टली क्या होता है नर्सिंग प्रोसेस, क्या होता है नर्सिंग केयर प्लान, क्या दोनों में फर्क है। आई वॉन्ट टू ट्राई टू टीच यू बच्चों को, बहुत बढ़िया, आपका डी आंसर बिल्कुल सही। एक बात क्लियर कर देता हूं, देखिए एक होता है नर्सिंग प्रोसेस मेरे बच्चों, एक होता है नर्सिंग प्रोसेस और एक होता है बच्चों नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान मेरा एमसीक्यू आपके सामने था, वो नर्सिंग केयर प्लान का था। प्रोसेस जो है दैट कंसिस्ट ऑफ, ध्यान से देखना बच्चों, दैट कंसिस्ट ऑफ 5 steps। प्रोसेस में 5 steps होते हैं। देखिए पहला होता है असेसमेंट, पहला होता है असेसमेंट, दूसरा होगा नर्सिंग, नर्सिंग डायग्नोसिस, तीसरा होगा प्लानिंग, तीसरा होगा प्लानिंग, चौथा होगा इंप्लीमेंटेशन मेरे बच्चों, इंप्लीमेंटेशन होगा और पांचवा होगा इवाल्वेशन, इवाल्वेशन। इन 5 steps को हम कहते हैं दैट इज अ सिस्टमेटिक वे टू डिलीवर केयर टू द इंडिविजुअल, सोसाइटी, कम्युनिटी, दैट वी कॉल अ नर्सिंग प्रोसेस। वही आपसे एग्जाम में पूछे एनसीपी के तो आपको आंसर लिखना 7 steps होते हैं बच्चों, एनसीपी के पूछे तो 7 step होता है। क्या फर्क है, पहला यहां पर भी असेसमेंट होगा, पहला यहां पर भी असेसमेंट होगा, दूसरा यहां पर भी नर्सिंग डायग्नोसिस होगा, बट मेरे बच्चों थर्ड वाला यहां पर जो है वो गोल होगा, थर्ड वाला जो हम कंसीडर करते हैं वो गोल होगा बच्चों, दैट वी कैन कंसीडर गोल। और वहीं यदि हम फोर्थ वाला बात करें तो यहां पर भी प्लानिंग है, यहां पर भी प्लानिंग है, बट फिफ्थ वाला जो पूछता है वो पूछता है रैशनल, फिफ्थ वाला पूछता है वो होता है रैशनल, और वही सिक्स वाला होता है वो इंप्लीमेंटेशन, सिक्स वाला होता है इंप्लीमेंटेशन, और लास्ट वाला यहाँ पर इवाल्युएशन होगा बच्चों। इस तरीके से नर्सिंग प्रोसेस की यदि बात करें तो 7 steps आपको लिखना है, नर्सिंग प्रोसेस की बात करें तो 5 steps आपको लिखना है, नर्सिंग केयर प्लान की बात करें तो 7 steps आपको लिखना है। और हमेशा याद रखना डिसीजन टेक प्लेस, डिसीजन जो है वो हमेशा कहां पर होता है, डिसीजन जो है वो लास्ट स्टेप में होता है, इवेल्युएशन होता है जिसको हम एंड रिजल्ट बोलते हैं, लास्ट आउटकम बोलते हैं। यदि वो आउटकम आपको नहीं मिला तो यू शुड नीड टू बी चेंज इन योर प्लानिंग, आपको अपनी प्लानिंग में बदलाव करना, आपको अपनी प्लानिंग में बदलाव करना। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, मजेदार बात आपको बताता हूं कि आपने नॉर्सेट का प्रिपरेशन किया, ध्यान से सुनना बच्चों,
आपने नॉर्सेट जो है ये 2021 का प्रिपरेशन किया था, नॉर्सेट 2021 का प्रिपरेशन किया था और 2021 में आपको जो रिजल्ट था, वो जो रिजल्ट जो आपको मिलना चाहिए वो रिजल्ट आपको प्रॉपर नहीं मिला। मेरी बात को ध्यान से सुनना बदमाश बच्चों, आपने नॉर्सेट 2021 की तैयारी की थी और उस समय आपको रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग और सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिला, तो अब आपका ये रिजल्ट क्या था, ये आपका इवेल्युएशन था। रिजल्ट क्या था, ये आपका इवेल्युएशन था। रिजल्ट क्या था, ये आपका लास्ट आउटकम, फाइनल आउटकम था। अब यहां जब आपको रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिला तो प्रॉब्लम कहां थी मेरे बच्चों की, प्रॉब्लम थी बच्चों की प्लानिंग में। प्रॉब्लम कहां थी, प्लानिंग में, क्योंकि प्लानिंग में प्रॉब्लम की वजह से रिजल्ट नहीं मिला। तो हमें डिसीजन तो हमने ले लिया, डिसीजन तो हमने ले लिया कब, जब हमें रिजल्ट मिला, बट बदलाव कहां करोगे, बदलाव कहां करोगे, चेंजेस कहां करोगे, अपनी प्लानिंग को मॉडिफाइड करोगे। अब तक की जो आपकी प्लानिंग थी आपकी इंडिविजुअल हो सकती है, अब तक की प्लानिंग थी आपके दोस्त की एडवाइस की हो सकती है, बट मेरे बच्चों नॉर्सेट 2022 की प्लानिंग वो आपके अकॉर्डिंग, आपके मेंटोर, आपके टीचर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिसमें सिर्फ एक शब्द लिखा होना चाहिए, रीच फाइनल डेस्टिनेशन, एम्स इन ऑल इंडिया, वेर एवर, जहां भी होगा। बट इस बार की प्लानिंग में आपको इतना शानदार करना है कि आप आउटकम तक पहुंच सके। अब प्लानिंग में बदलाव क्या कर सकते हो, प्लानिंग में बदलाव क्या कर सकते हो, पढ़ने का तरीका बदल सकते हो। एग्जाम जो आपने अभी तक बहुत कम दिया तो आप मॉडल पेपर अटेंड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। अटेम्प्टिंग प्रॉपर नहीं थी, माइनस मार्किंग आपको नुकसान पहुंचाई, तो पेपर प्रैक्टिस से आप सुधार कर सकते हो। यदि कोई टॉपिक अच्छे से नहीं पता है तो उसकी लिस्ट बनाएंगे, एक एक टॉपिक को तैयार करेंगे, हमारी प्लानिंग हम सुधार सकते हैं। तो मेरे बच्चों दोष किसी को मत देना, गलती किसी की नहीं है, गलती थी हमारे प्लान में। और प्लान को हम सुधार कैसे कर सकते हैं, यू विल डिस्कस विथ योर टीचर, वी विल डिस्कस विथ हुम यू ट्रस्ट ऑन, जिसमें आप भरोसा करते हो। और मैं सीधा कहता हूं, गलतियों की लिस्ट बनाए और गलतियों को डिलीट कर दीजिएगा, आपका सिलेक्शन 2022 में पक्का है। बस एक पर्सन डंडा लेके आपके ऊपर खड़ा रहेगा ना, तो आप 100% आउटपुट दोगे, और वो हर एक इंसान चाहता है कि कोई ना कोई मुझे पीछे से डंडा लेके स्टिमुलेट करे कि बेटा आप करो, आप आगे बढ़ो, और आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, नोबडी कैन स्टॉप योर जर्नी नॉर्सेट 2022। और मेरी भी जिद है कि आपको हर मोड़ पे आगे ले जाने की कोशिश करूंगा, और आप भी जिद बना लीजिएगा कि सर के एक एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखते हैं नॉर्सेट 2022 वाला पेपर कहां से बनाता है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे बच्चों प्लानिंग में मॉडिफिकेशन चाहिए, इवेल्युएशन आपको मिला और प्लानिंग चेंज हुआ, अगला रिजल्ट आपका अच्छा होगा। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलता बच्चों, उससे पहले ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विथहोल्ड सॉलिड फूड, ध्यान से देखना, विथहोल्ड सॉलिड फूड लिक्विड एज प्रिस्क्राइब टू अवॉइड एस्पिरेशन फॉर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी आवर बिफोर सर्जरी विथ लोकल एनेस्थीसिया। देखिए ये क्वेश्चन के अंदर लास्ट वर्ड ने पूरे एमसीक्यू की लैंग्वेज बदल दी बच्चों, इस क्वेश्चन में लास्ट वर्ड ने पूरे एमसीक्यू की लैंग्वेज बदली। ध्यान से देखिएगा, विथ होल्ड सॉलिड फूड लिक्विड, सिंपल बताऊं बच्चों, एनपीओ की बात कर रहा हूं, नील पर ओरली की बात कर रहा हूं। इन्होंने लिखा है कि विथ होल्ड सॉलिड फूड लिक्विड प्रिस्क्राइब टू अवॉइड एस्पिरेशन फॉर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी आवर बिफोर सर्जरी, बस साथ में बदमाशी कर दी, इसने लिख दिया लोकल एनेस्थीसिया। इसने क्या लिखा बच्चों, लोकल एनेस्थीसिया, कि लोकल एनेस्थीसिया देने से पहले बिफोर सर्जरी में हम क्या कितने टाइम तक एनपीओ रखेंगे, ये एमसीक्यू पूछा है। क्या 3 आवर लिखोगे, क्या 6 आवर लिखोगे, क्या 6 to 8 आवर लिखोगे बच्चों, या 8 to 10 आवर्स लिखोगे। मेरे बदमाश बच्चों कॉमन सेंस यूज करना, कॉमन सेंस श्वेता सुनीता, कॉमन सेंस प्लीज, यू कैन सी एवरीवन, मैंने पूछा है लोकल एनेस्थेसिया का, मैंने लोकल एनेस्थेसिया पूछा है, इसलिए मैंने कहा ना क्वेश्चन जैसा सोचे वैसा नहीं है, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो बच्चों, गलत ट्रैक पे जा रहे हो। लोकल पूछा है मेरे बच्चों, लोकल, यही तो शब्द पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदला है, आंसर को बदलिएगा। मैंने पूछा है कि विथहोल्ड सॉलिड फूड लिक्विड इज प्रिस्क्राइब टू अवॉइड एस्पिरेशन एंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी आवर बिफोर सर्जरी, हाउ मेनी आवर बिफोर सर्जरी इन लोकल, तो आपको आंसर लिखना 3 आवर। दैट काइंड ऑफ एमसीक्यू कंफ्यूजिंग यू। और यदि आपसे पूछते हैं जनरल एनेस्थीसिया
तो आपका अधिकार मैं आपसे नहीं छीनता, क्योंकि आपने रट रखा है 6 to 8 hours. उसके बाहर की दुनिया को भी देखो, यहाँ 3 hours भी आंसर होता है लोकल एनेस्थीसिया में, और यदि आपसे जनरल पूछते हैं तो आपका आंसर पक्का था. अब मुझे उम्मीद है कि बदमाशी आपकी यहां पकड़ी गई, मेरे बच्चों सुधार करोगे. लोकल मीन्स पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, लोकलाइज्ड. तो वहां पर 6 घंटे भूखे क्यों रखोगे बेटा? इवन पर्टिकुलर जब क्लेविकुलर ब्लॉक देते हैं, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स में जब हम ब्लॉक देते हैं, तब भी हम 6 to 8 hours एमपीयू नहीं रखते हैं. 6 to 8 hours तो सब जनरल एनेस्थीसिया में रखते हैं, सब जनरल एनेस्थीसिया में रखते हैं बच्चों. तो यू शुड चेंज योर माइंड, डोंट गो विथ रट्टू तोता. रट्टू तोता नहीं बनना है, इसका उपयोग करो. बड़ा खूबसूरत ब्रेन दिया भगवान ने, 1300 ग्राम का, महिलाओं में 1225 ग्राम का. सबसे छोटी कैविटी में रहता है क्रेनियल कैविटी में, सबसे बड़ी कैविटी होती है अब्डोमिनल कैविटी. तो इस कैविटी के अंदर प्रेजेंट इस 1300 ग्राम का उपयोग करो बच्चों. और क्लियर मैंने लिखा है, क्योंकि मुझे बदमाशी पता, आप 6 से 8 घंटे तो रट रखा है, कोई रात को पूछे तो भी बता दोगे. आज के बाद सुधार करिएगा. नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, जेएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग के द्वारा रन कंप्लीट लाइव बैच, जो मैंने कहा हमेशा कहता हूँ इंडिया का लार्जेस्ट बैच है, जहां पर 2 to 7 PM रोजाना क्लास होती है, और इसके बाद यह वीडियो आपके ऐप में सेव हो जाता है, और साथ में यूनिट टेस्ट और 1 year की वैलिडिटी, संपूर्ण कंटेंट जिसको कहते हैं ना नॉर्सेट 2022 से पहले. परचेज यही है 9636032691 पे, फोन पे और पेटीएम करके आप बाय कर सकते हो. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. तो आज की एक छोटी कोशिश फिर आपके लिए, कल फिर मुलाकात करूंगा. बच्चों जिद करिए, नॉर्सेट 2022 अपना है, ले चलेंगे सब बच्चों को. आज तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, माँ बाप का प्यार हमेशा आप पे बना रहे, चेहरे पे स्माइल रखें, और हमेशा जिंदगी में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़े कि मैं कर सकता हूं, मुझे कोई बीट नहीं करेगा. यदि परिस्थिति आएगी तो मैं लड़ूंगा, कोई गिराएगा तो गिरूंगा, फिर उठूंगा, फिर चलूंगा, उठूंगा चलूंगा, बट रुकने वाला नहीं हूं. इसी हंगर के साथ आगे बढ़िएगा. नॉर्सेट 2022 में सिलेक्शन के बाद मुलाकात करेंगे बच्चों. अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, कल फिर मिलता हूं. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.